नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी झा। कटोरा खान इमरान की एक गलती अब पूरे पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। पूरी दुनिया में इमरान ने पाकिस्तान की जो इज्जत उतारी है उसे देखते हुए अब अरब देश ने भी पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। ओआईसी की कमान अपने हाथ में लेने के लिए तुर्की अपनी चाल चल रहा है और इस खेल में प्यादा बनाकर भेजा गया है पाकिस्तान को, जिसने सीधे तौर पर उस देश को चुनौती दे दी जो पाकिस्तान से कहीं ऊपर है। इमरान को ये बात समझ नहीं आ रही, वो तो सूखे नशे करके बैठे हैं। देश को बचाते बचाते इमरान कब देश बेच आए उन्हें भी पता नहीं चला। मुस्लिमों का रहनुमा बन रहे इमरान ने अपनी ही कौम के लोगों को फंसा दिया है, वो भी एक ऐसी जगह जो हजारों किलोमीटर दूर है। अब पाकिस्तान के बशिंदों पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल इमरान खान चाहते थे कि सऊदी अरब कश्मीर के मुद्दे पर बोले, लेकिन सऊदी अरब ने इसे खास तवज्जो नहीं दी। भारत के साथ सऊदी अरब के सुधरते रिश्तों को देखकर इमरान के बड़बोले मंत्री कुरैशी ने सऊदी को ही चुनौती दे दी और पाकिस्तान चला था सभी इस्लामिक देशों का बादशाह बनने। जब कोई आगे नहीं आया तो पाकिस्तान की बेइज्जती हुई। मोर्चा संभालने के लिए बाजवा पहुंचे प्रिंस के दर पर और बजवा के लौट आए, यहीं से रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई। एक कहावत है, रहमिन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर फिर न जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। अब तो सऊदी और पाकिस्तान के रिश्तों की डोर टूट चुकी है। सऊदी ने तो सबसे पहले पाकिस्तान से अपने पैसे मांगने शुरू कर दिए। रियाद ने पाकिस्तान को $1 अरब का कर्ज वापस करने को मजबूर कर दिया और अब $1 अरब की मांग की जा रही है, वो भी सूद समेत। पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं तो पहुंच गए चीन के पास। वहां से पैसे मिल तो गए पर चीन ने इमरान को और ज्यादा कर्जदार बना दिया। सऊदी इतना नाराज है कि तेल और ऊर्जा पर देने वाले पैसों को भी बंद कर सकता है, यानी बहू तो गई दहेज का सामान भी ले गई। यूएई में फिलिस्तीन समर्थक पाकिस्तान कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की गई और अब संयुक्त अरब अमीरात ने एक और कड़ा फैसला लिया है। सऊदी अब पाकिस्तान के नागरिकों को भगाने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के जेल में कई पाकिस्तान नागरिक कैद हैं। सिर्फ अबू धाबी के अल सवैहान जेल में करीब 5,000 पाकिस्तानी कैदी बंद हैं और अब संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर कानून पेश कर सकता है। अगर ये कानून जारी हो गया तो पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सऊदी जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के नागरिक बाहर जाकर काम नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान पहले से ही ग्रे लिस्ट में है, फिर भी अपनी गलतियां सुधारने की जगह वो और बड़ी गलतियां कर रहा है। ये खटास कहां से आई यह भी बता दे। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल की दोस्ती पाकिस्तान को पसंद नहीं आई। इन दोनों देशों ने एक समझौता किया। इस शांति समझौता में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी अमेरिका ने। ट्रंप की देखरेख में यह समझौता हुआ। बता दें इजराइल आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता रहा है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए कई कड़े कानून भी अपने देश में लागू कर रखे हैं और यही बात आतंक के आकाओं को पसंद नहीं आती। ये दोस्ती इतनी अकड़ी कि इमरान ने विवादित बयान दे डाला। अब हालात ये हो गए हैं कि संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान नागरिकों को डिपोर्ट करने यानी वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ एक वजह ही नहीं है, इससे भी बड़ी बात रही है इमरान का झूठ बोलना। रिपोर्ट की माने तो साल 2017 में जब कंधार में आतंकी हमला हुआ था उसमें यूएई के 5 राजनयिकों की मौत हो गई थी। जांच शुरू हुई तो पाकिस्तान ने इसका दोष ईरान पर थोप दिया, लेकिन यूएई की जांच एजेंसी ने पाया कि कंधार हमले में पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क का हाथ था और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी सीधे इसमें शामिल थे। यानी इमरान ने झूठ बोला। ये भी एक वजह है जो यूएई पाकिस्तान से दूर हो रहा है। बता दें कि अरब देशों की वजह से ही पाकिस्तान का वजूद विश्व में कायम है। अगर इन देशों ने भी पाकिस्तान के सर से अपना हाथ हटा लिया तो पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान का विनाश संभव है।
अगर सभी मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया तो उनकी हालात कुएं के मेंढक जैसी हो जाएगी। फिलहाल तो दो बड़े देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला है और इसी में पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद होते हुए नजर आ रहा है। खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।